हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रजाति और जनजातियाँ। ये प्रजाति और जनजातियाँ, इसे हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता जा रहा है, ठीक है। हमेशा से इसे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए इसको भी हम लोग बहुत बेहतर ढंग से देख लेंगे, ठीक है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये प्रजाति जो होता है, ये भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान इसके संदर्भ में, इसके संबंध में क्या कुछ कहता है, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है, ठीक है। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है, और संविधान के अनुच्छेद 366 के 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। यानी संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जो भी जनजाति अनुसूचित किए गए हों, उन सभी को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, ठीक है। यानी भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है, ठीक है। और जनजाति क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र, तीसरा पूर्वी क्षेत्र, चौथा मध्य क्षेत्र, और पांचवा पश्चिमी क्षेत्र, और छठा दक्षिणी क्षेत्र, और सातवा द्वीपीय क्षेत्र। यानी यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो ये देश के 7 हिस्सों में बांटा गया है जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। जैसे भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ पाई जाती है। भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ पाई जाती है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में पाई जाती है। यदि 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह का क्या नाम है, ये तो भील, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले की संभावना होती है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, ये प्रश्न कोश, ठीक है। चलिए एक नंबर का शुरू करते हैं कि डैश ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छूटपूट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है ये IAS में ऑलरेडी पूछा गया है, ए नॉर्डिक आर्यों से, बी ऑस्ट्रेलियाई जनों से, और सी निग्रोसम जनों से, और डी मंगोलाइड जनों से। तो इसका सही आंसर होगा डी मंगोलाइड जनों से। यानी मंगोलाइड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अध खुली आँखों का होना है, ठीक है। दूसरा नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं, उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, ए दिनारिक, बी मेडिटेरेनियन, और सी मंगोलाइड, और डी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी के मंगोलाइड। यानी उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजातीय समूह पाया जाता है। तीन नंबर में देखिएगा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, ये इरुला, बी खासी, सी संथाल, और डी थारू। तो इसका सही आंसर होगा सी संथाल। यानी संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से है, यानी ये UPPCS में ऑलरेडी 2002 में पूछा गया है। और चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है, ए दक्षिणी भारत, बी उत्तरी पश्चिमी भारत, सी उत्तरी पूर्वी भारत, और डी और उत्तर भारत। तो इसका सही आंसर होगा ए
यानी दक्षिणी भारत द्रविड़ियन प्रजाति जो है ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। ये 60 से 62वीं बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब द्रविड़ियन प्रजाति जो होता है मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलू प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। अब पांचवा नंबर का सवाल देखिएगा, भारत में जो एकमात्र मानवाब कपी पाया जाता है वह है ए हनुमान बंदर, बी पश्चिमी घाट सिंह पूछी मकाक, और सी नंबर ऑप्शन है असम का मंथर लॉरिस, और डी असम का श्वेत अभी गिबन। तो इसका सही आंसर है डी, यानी के असम का श्वेत भौं गिबन। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाला असम का श्वेत भौं गिबन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र का मानवा कपी है। ये छठा नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है, ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी हरियाणा और डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी हरियाणा, यानी किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। ये भी आपका 56 से 59वीं बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। सात नंबर का सवाल देखिएगा, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो जोरा सही है तो ए थारू उत्तराखंड, बी भोटिया उत्तर प्रदेश, मुंडा बिहार, कोल राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ए थारू, थारू उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है, जबकि थारू जनजाति जो है ये जो है थारू जनजाति, देखिए थारू जनजाति मुख्यतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, मूलतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, अतः विकल्प ये थारू उत्तराखंड सही है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, भोटिया जनजाति सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार एवं झारखंड में पाई जाती है, परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में पाई जाती है। आठ नंबर का सवाल देखिए, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाता है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है मानती है, ए खासी, बी मुंडा, सी भील, डी थारू। तो इसका सही आंसर होगा डी थारू, यानी थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। नौ नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समूह, ये तो हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो इसका सही आंसर होगा थारू। दस नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ए दशहरा, बी दीपावली, सी होली और डी नागपंचमी। तो इसका सही आंसर होगा बी दीपावली। ग्यारह नंबर का सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है, ए बिहार तथा मध्य प्रदेश और बी झारखंड तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा मध्य प्रदेश और सी छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश और डी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। अब 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में निवास कर रही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी तथा उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है तथा बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी संथाल एवं गोंड के बाद ये जनजाति पाई जाती है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है, ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है।
यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। 13 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ए लिंबू सिक्किम, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया कोंग ओडिशा, बोंडा तमिलनाडु, उपर्युक्त में से कौन सा सुमेलित है। तो इसका सही आंसर होगा ए, केवल 1 और 3, यानी लिंबू सिक्किम बिल्कुल सही है, डोंगरिया कोंग ओडिशा ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। ए अबोर, बी गद्दी, सी लेपचा और डी थारू। तो इसका सही आंसर होगा बी गद्दी। अब गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं, ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मेघालय। इसका सही आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश, यानी गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। 16 नंबर सवाल देखिएगा, संथाल निवासी है मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिमी भारत के और डी पूर्वी भारत के। तो इसका सही आंसर होगा डी पूर्वी भारत के। संथाल कहाँ का निवासी है, ये पूर्वी भारत के, यानी संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास स्थान पूर्वी भारत के राज्यों मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं ओडिशा के साथ त्रिपुरा में है। 17 नंबर में देखिएगा, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है। ए भील गुजरात, बी जौनसारी उत्तराखंड और सी संथाल छत्तीसगढ़, डी खासी मेघालय। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी संथाल छत्तीसगढ़ और डी नंबर। ये 18 नंबर में देखिएगा, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। ये इतूत, बी सांगा और सी नीरब्लोक और डी बुपला। तो इसका सही आंसर होगा डी बुपला, यानी संथालों में विवाह को बुपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं, जैसे सदन बापला, सेता बापला, गोंग बोले बापला, किरिंग बापला आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ऋतु प्रवास क्या करते हैं, यानी ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी होती है। ए भोटिया, बी भुक्षा, सी जौनसारी, डी थारू। तो इसका ये नंबर सही आंसर है, यानी भोटिया। ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सा है, ये भोटिया जनजाति है। अब बोडो निवासी है, ए गारो पहाड़ी के, बी संथाल परगना के, सी अमेजन बेसिन के और डी मध्य प्रदेश के। यानी इसका सही आंसर होगा ए गारो पहाड़ी के, ये भी 43वां बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, अब 21 नंबर का सवाल देखिएगा कि गारो जनजाति है, ए असम की, बी मणिपुर की, सी मिजोरम की और डी मेघालय की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कि इसका सही आंसर होगा वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है, अतः उपर्युक्त में से किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। यानी कि ये मेघालय, असम और मिजोरम तीनों में पाई जाती है, इसलिए किसी एक को आंसर करना उचित नहीं। ठीक है, अब देखिए 22 नंबर, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। ए मध्य प्रदेश में, बी मेघालय में, सी त्रिपुरा में और डी असम में। तो यहाँ भी इसका सही आंसर देना मुश्किल है, क्योंकि ये तीनों राज्यों में पाई जाती है, यानी गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्यों में पाई जाती है, अतः किसी विकल्प का चयन संभव नहीं है। 23 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। ए चेंचू, बी लेपचा, सी डफला और डी डाफर। तो चेंचू यहाँ आप सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। लेपचा जनजाति सिक्किम में, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तथा डाफला अरुणाचल प्रदेश में, असम के कुछ भागों में भी पाई जाती है। चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नलामलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा यह केरल के कुछ भागों में भी पाई जाती है, अतः आंध्र प्रदेश आंसर नहीं होने के कारण यहाँ पर चेंचू के, यहाँ चूंकि केरल पूछा है तो यहाँ पर ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ए टोडा, बी गोंड, सी भील और डी गारो। इसका सही आंसर होगा बी, यानी गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, गोंड।
प्रश्नकाल के दौरान भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी, जबकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भील जनजाति समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है। गोंड जनजाति समूह की जनसंख्या जो है कि दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति समूह है। यानी वर्तमान समय यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, जनजाति समूह कौन सी है, तो वर्तमान समय में भील होगा। तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति ए भील, बी गोंड, सी संथाल और डी थारू। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी गोंड, भारत की सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान समय में यदि पूछा जाए तो भील होगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ए गोंड, बी रूला, सी पनियन, डी राजी। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी गोंड। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जो कि विकल्पों में नहीं है, अतः विकल्प ए सर्वाधिक उपयुक्त है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, ए अरावली पहाड़ियों पर, बी मध्य प्रदेश में, सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर और डी विंध्याचल की पहाड़ियों पर। इसका सही आंसर होगा सी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। 28 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, ए जौनसार पहाड़ियाँ, बी गाढ़ो पहाड़ियाँ, सी नीलगिरी पहाड़ियाँ और डी जयंती पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए 29 नंबर में अंडी और ओपरो तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से है, ए हो, बी पहाड़िया, सी मुंडा और डी उड़ाव। तो इसका सही आंसर होगा ए हो। ठीक है, यानी अंडी और ओपर लिपतिपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय से संबंधित है, जहां अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपोर तीपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह से है। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, ए कादर, बी लोढ़ा, सी मुंडा और डी टोडा। तो इसका सही आंसर होगा डी टोडा। टोडा क्षेत्र, टोडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। 31 नंबर का सवाल देखिए, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं, ए उड़ाव, बी कमाड़, सी बैगा और डी गोंड। और इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा ए उड़ाव। उड़ाव जनजाति के लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं। यानी सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उड़ाव, मुंडा और जनजातियों द्वारा, हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। 32 नंबर, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है उसका नाम मुंडा है, और घूमकड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, ए उड़ाव, बी होग, सी गोंड और डी कोल। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी उड़ाव। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, ए भोक्सा, बी भुटिया, सी जौनसाड़ी और डी थारू। इसका सही आंसर होगा डी थारू। यानी थारू जनजाति की जनसंख्या 91,342, जौनसाड़ी 88,664, भुक्सा 54,037, भोटिया 39,106 और राजी 690। उक्त आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। मिजोरम में बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि ए घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है, बी कटक शिखरों पर पहुंचना सरल है, सी कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडे हैं, डी घाटियों में सघन वन है। तो इसका आंसर होगा ए घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी है। यानी मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। उसके बाद देखिएगा 36 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेरित नहीं है, भोटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु। यानी वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार दी गई विकल्प जो है जनसंख्या एवं राज्य, उसकी उस राज्य में जनसंख्या इस प्रकार है, भोटिया उत्तर प्रदेश 5196, खासी
14,11,775, टोडा 2002, संथाल 27,54,723। दिए गए तथ्य के आधार पर उक्त प्रश्न के किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आज 36 प्रश्नों को देखते हैं जो जनजाति समुदाय से संबंधित हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।